the next point, that is importance of organizational behavior. Why we need to study the OB? OB का OB हमें कैसे helpful होगा, कैसे useful होगा? चलो, in example, in exam, it can be asked as a even 15 marks question or 8 marks question. 15 marks में पूछना है तो पूछ सकते हैं like this. Define the term organizational behavior. List out and discuss importance of OB with the help of suitable example. Where you need to explain first what is OB, then make a title importance of OB, then list out all these points, and out of this all 8 or 9, you can discuss 6 points in detail. Let me just go one by one. The first point is OB will help in finding the roadmap and meet the employees' expectations. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है रोड मैप कि ओबी का जो होगा वो ओबी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को अपना रोड मैप ढूंढने में हेल्प करेगा. तो रोड मैप का मतलब क्या है यहाँ पे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से? चलिए, एनी वन ऑफ यू, रोड मैप का मतलब, चलो मैप का मतलब क्या होता है? हम गूगल के अंदर मैप देखते हैं. मैप जो होता है वो मैप किसके लिए होता है? Being one individual, मैं जब कोई कंपनी के अंदर एंटर होता हूँ, कंपनी को कोई ज्वाइन करता हूँ, एट दैट टाइम बीइंग अ वन इंडिविजुअल आई आल्सो हैव द सम डेस्टिनेशंस टू अटेन, डेस्टिनेशंस टू गो, यस और नो? कि भाई इंडिविजुअल के रूप में मैंने कोई कंपनी को ज्वाइन किया तो मैं पूरे लाइफ टाइम सेल्समैन ही बना रहूँगा, या कोई मेरा गोल होगा, मेरा कोई डेस्टिनेशन होगा कि भाई मैंने कोई सोचा होगा कि यस आई विल बी अ मैनेजर इन अ वन पर्टिकुलर डे, आई विल बी अ सीईओ ऑन सो एंड सो आफ्टर द सो एंड सो इयर्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा? आंसर इज यस और नो. आंसर इज यस. सो यस. आंसर इज यस कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास मेरा रोड मैप होगा. मतलब इन अदर वर्ड आई कैन चेक, I can observe, I have the expectations. कि भाई मैं अभी ये particular designations पे इतनी salary पे ये company को join कर रहा हूँ. After this many years मेरी salary increase होगी. After this many years मेरा promotion होगा. 5 साल के बाद मैं यहाँ पे होऊंगा. 10 साल के बाद मैं यहाँ पे होऊंगा. और मुझे ये designations पे जाना है. ऐसा कोई destinations, ऐसा कोई goal मैंने अपनी life में decide किया होगा. And with that particular point, with that thing, with the various kinds of feeling, emotions, perception, attitude, personality, वो सब मैं लेके एक कंपनी के अंदर join होता हूँ. तो being a organization's behavior का knowledge, being a one individual, अगर मेरे पास OB का knowledge है, then it will help me in going towards the my goal path. कैसे? कि भाई मुझे कंपनी के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, सो दैट मैं अपने गोल की तरफ आगे बढूं, वो मैं डिसाइड कर पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा. कि भाई मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द पर्टिकुलर कंपनी नाउ मैं देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि भाई मेरा काम करने का तरीका कैसा है, मेरा सोचने का तरीका कैसा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड कंपनी के अंदर कैसे चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं. तो आई कैन सी, आई कैन ऑब्जर्व, एंड बेस ऑन दैट मैं समझ पाऊंगा कि भाई यस ये कंपनी में आगे जाना है, ये गोल के लिए जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा. एंड बेस ऑन दैट मैं उस हिसाब से बिहेव करूंगा कि यस ये मुझे ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा. कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जो कंपनी ज्वाइन किया है वो वर्काहोलिक है, पंचुअल है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर वहाँ पर फॉलो करना पड़ता है. तो ये सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया. And I just start following whatever the rules, regulations, procedures which is established by the organizations. So slowly, gradually, मैं भी खुद भी मेरा behavior change हो जाएगा, मेरी खुद की भी activities मैं change आएगा, मैं उसके हिसाब से perform करूँगा. So at the end of the day क्या होगा? At the end of the particular
टाइम पीरियड आई विल अटेन द माय एक्सपेक्टेशंस, आई विल अटेन माय गोल, कि भाई मैं अच्छे वर्कहोलिक बन गया, अच्छी तरह से रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मन लगा के काम कर रहा हूँ, तो मेरा प्रमोशन हो गया। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि यस इतने साल के बाद मेरा प्रमोशन होने वाला था, तो वो हो जाएगा। तो इवन मेरा जो एक्सपेक्टेशंस होगा वो स्टेप बाय स्टेप्स अटेन होगा एंड दैट विल सेटिस्फाई मी एंड इवन लीड मी, मोटिवेट मी टूवर्ड्स माई नेक्स्ट गोल। कि भाई मैंने एक स्टेप बाय स्टेप गोल डिटरमाइन किया होगा कि भाई पहले यहाँ पे जाना है तो फर्स्ट स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ए, लाइक दैट। एक साल के बाद यहाँ पे, दो साल के बाद ये डेजिग्नेशन आएगा, तीन साल के बाद इतनी सैलरी आएगी, लाइक दैट। तो मैंने रोड मैप बनाया होगा और मैं वो रोड मैप पे आगे जा रहा हूँ, और ओबी का अगर नॉलेज मेरे पास है तो वो मुझे हेल्प करेगा जल्दी से मेरा जो रोड मैप है उसके ऊपर आगे जाने में। और अगर मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मैं अटेन कर पा रहा हूँ, देन आई विल बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज मेरा परफॉर्मेंस, बिहेवियर सब कुछ चेंज हो जाएगा और इवन आई कैन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे कह सकते हैं, ओबी जो है वो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को हेल्प करेगी अपना करियर ग्राफ में आगे जाने के लिए। नेक्स्ट, ओबी विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। तो यहाँ पे पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, आप पीएलसी पढ़ के आए हो, याद है व्हाट इज पीएलसी? एसवाई के अंदर लाइफ साइकिल, हाँ यस वेरी गुड, एसवाई के अंदर मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन कौन से स्टेज थे उसके अंदर, एनी वन ऑफ यू? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेज थे, याद है किसी को? स्टाइल, स्टाइल, फैशन एंड पेड। नहीं नहीं बेटा, इन्फिनिटी, ग्रोथ, मैच्योरिटी, वो वाला ग्रोथ, यस, डिक्लाइनिंग, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और डिक्लाइन, उसके पहले फर्स्ट वाला। आपने 5-6 वर्ष बीती गया थे इतने याद नहीं हो आपन ने। सो लेट मी जस्ट डिस्कस। जैसे एक ह्यूमन की लाइफ होती है उसी हिसाब से एक प्रोडक्ट की भी लाइफ होती है, और लाइफ के अंदर वो प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर से फॉलो होती है, लाइक इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, maturity and decline. So these are the stages. So same way we can also say that even organizations also have a life. Organizations be introduction, growth, maturity or decline. These different stages may se follow karega. And based on the observation, understanding and identifying the behavior of the people who are working in that particular organizations, we can say ki yes, abhi company kahan pe hai, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, वो चीज हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ओवर देम। तो मैं आपको सिचुएशंस बताता हूँ, बेस्ड ऑन दैट आपको बोलना है कि भाई अभी ऑर्गेनाइजेशंस कौन से स्टेज में है, ठीक है? चलो फॉर एग्जांपल, वी आर इन अ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर टॉप मैनेजमेंट आर प्रिपेयरिंग एंड एस्टेब्लिशिंग वेरियस एचआर पॉलिसीज, वो स्टेप बाय स्टेप्स वेरियस रूल्स रेगुलेशंस एचआर पॉलिसीज बना रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलो कौन से स्टेज में होगा अभी कंपनी? इंट्रोडक्शन। आंसर इज इंट्रोडक्शन, कि भी अभी जो एम्प्लॉयज है, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो नया नया सब कुछ है, तो अभी इनिशियल स्टेज पे है कि जहाँ पे हम रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज हम स्लोली ग्रेजुअली बना रहे हैं, हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बेसिस पे पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर ऑल द पीपल्स आर हाईली सेटिस्फाइड, दे आर वर्किंग लाइक अ टीम, दे हैव अ ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप फीलिंग्स, लो लेवल ऑफ टर्नओवर, लो लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म, हाई प्रोडक्टिविटी एंड दे ऑल आर हैप्पी। चलो मैच्योरिटी, ग्रोथ, यस वी कैन से इट्स अ ग्रोथ और मैच्योरिटी, कि जहाँ पे सब लोग अच्छी, जहाँ पे सब लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, पीपल आर हैप्पी एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी
वेल कि भाई सब लोग अच्छी तरह से मिलके एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और एब्सेंटिज्म टर्नओवर ये सब कैसा है कम है क्योंकि पीपल आर हाईली सेटिस्फाइड. चलो नेक्स्ट सिचुएशंस वी आर इन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स गेम इज गोइंग ऑन. वी हैव अ हाई अमाउंट ऑफ एब्सेंटिज्म हाई अमाउंट ऑफ टर्नओवर एंड पीपल आर dissatisfied within the organization. Chalo, we are decline. At decline. Yes, answer is correct. Okay, we are at the decline stage. Okay, जहाँ पे company के अंदर बहुत absenteeism है, turnover है और power and politics game चल रहा है. एक दूसरे के पांव लोग खींच रहे हैं. Company आगे जाने वाली नहीं है. Company का bright future नहीं है. वो चीज हम observe कर पाएंगे. तो even कंपनी के अंदर लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है लोगों का बिहेवियर कैसा है इवन बाय ऑब्जर्विंग द हाउ मेनी पीपल्स लेफ्ट यू यू कैन प्रिडिक्ट द योर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ कि भाई आपकी कंपनी आगे जाके सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी वो आगे जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी वो चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि इवन फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल हमने देखा था कि भाई फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर क्या हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं इफेक्टिव वाले जो लोग हैं जो बहुत ही कम टाइम पे ज्यादा काम करते हैं मतलब दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी तो ऐसे ऐसे लोग छोड़ के हमें जा रहा है बट जो जितना टारगेट दिया हुआ है उतना ही टारगेट करने वाले लोग जो है वो लोग हमारी कंपनी में बैठे हुए हैं मतलब क्या हो रहा है कि भाई हाई प्रोडक्टिव वाले लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं क्यों बिकॉज दे डोंट फाइंड अ ब्राइट फ्यूचर विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई उनको कंपनी के अंदर क्या लगता है कि यस ये कंपनी का अभी ब्राइट फ्यूचर नहीं है और हमारा भी यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर नहीं है बिकॉज ऑफ दैट दे आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशंस तो उनको लगता है कि भाई यस ये कंपनी का आगे जाके डिक्लाइन ये कंपनी बंद होगी या कहीं पे मर्ज हो जाएगी या ये चलने वाली नहीं है अच्छी तरह से चलेगी नहीं तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर लिविंग तो यहाँ पे क्या होगा वो भी हमें हेल्प करेगा समझने में कि भाई हमारी कंपनी की कंडीशंस कैसी है कौन से लेवल में हम है और हमें क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन एबल टू कंट्रोल कि भाई हमें डिक्लाइन स्टेज में जाने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए दैट कैन बी अंडरस्टूड दैट कैन बी प्रिडिक्टेड कि भाई वो भी हमें हेल्प करेगा कि भाई कंपनी के अंदर हमें क्या करना है कैसे करना है उसमें. चलिए नेक्स्ट वो भी विल हेल्प एज अ इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशन इवेंट. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट का मतलब है इन डिसीजन मेकिंग कि वो भी जो होगा वो आपको हेल्प करेगा कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजंस लेनी है उसके लिए. यस और नो कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजंस लेनी है इंप्लीमेंट करनी है तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा. कंपनी के अंदर कोई भी आप डिसीजंस ले रहे हो yes, तो sir, वो भी आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा. आंसर इज यस. कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल वो कोट कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ चेंज कि भाई कंपनी के अंदर अभी हमें डिसीजंस लेनी है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई आपको पूरी फैक्ट्री गुजरात से लेके महाराष्ट्र जानी है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यू नीड टू इंप्लीमेंट द वन डिसीजन. ऑर्गेनाइजेशन इवेंट क्या है तो कि भाई अभी कंपनी को यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है कंपनी के अंदर चेंज आ रहा है तो नाउ ओबी विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट दैट और टू परफॉर्म दैट इवेंट वेरी इफेक्टिवली कि भाई वो भी आपको हेल्प करेगा लोगों को अनफ्रीजिंग करने में चेंज को इम्प्लीमेंट करने में और रीफ्रीजिंग करने में. सो वो भी जो होगा वो आपको कोई भी इवेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के अंदर हेल्प करेगा. सेम वे फॉर एग्जाम्पल एक और इवेंट की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो HR पॉलिसीज वाली कि भाई कंपनी के अंदर कोई HR पॉलिसीज जो है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करनी है कि भाई उसकी इम्पैक्ट आएगी नहीं आएगी तो वो चीज़ भी आपको वो भी हेल्प करेगा कि फॉर एग्जांपल मोटिवेशंस ये पॉइंट में देखते हैं बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई मोटिवेशंस की पॉलिसीज बनानी है कि भाई क्या करूँ सो दैट मेरे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे क्या करना है कैसे करना है तो वो भी मुझे हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि कैसे मुझे लोगों को मोटिवेट करना है सो दैट दे कैन परफॉर्म वेरी वेल. चलो नेक्स्ट ओबी विल हेल्प एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड इवन अदर्स बेटरली. चलो ये कैसे होगा
वो भी जो होगा वो एक इंडिविजुअल को अपने आप को समझने में हेल्प करेगा. बीइंग अ वन इंडिविजुअल आई कैन इंट्रोस्पेक्ट माइसेल्फ. कैसे ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एनी वन ऑफ यू बीइंग अ वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मैं मेरे को खुद को समझने के लिए मुझे क्या समझना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई मेरी सोच कैसी है इन टर्म्स ऑफ माय बोलिए स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, दैट्स व्हाट एनालिसिस. ओके, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल में कौन-कौन से पॉइंट्स हमने पढ़े थे. एक इंडिविजुअल को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए मुझे क्या समझना पड़ेगा, मेरी एबिलिटीज क्या है, एबिलिटी स्किल्स लर्निंग क्या है. यस, वेरी गुड. परसेप्शन, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, हाँ ये सारे पॉइंट्स इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मेरे को खुद को मुझे समझना है सबसे पहले कि मैं बीइंग अ वन इंडिविजुअल आई वांट टू इंट्रोस्पेक्ट माय सेल्फ, भाई मैं कैसा हूँ, मेरे सोचने का तरीका कैसा है, मेरा काम करने का तरीका कैसा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, व्हाट मोटिवेट्स मी, मेरी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज क्या है. तो ये सब मुझे खुद को पहले समझना है, तो वो भी मुझे हेल्प करेगा कि भाई मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरा परसेप्शन कैसा है, देखने का तरीका कैसा है, सोचने का तरीका, एटीट्यूड कैसा है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है. तो ये चीज मैं खुद के ऊपर सबसे पहले इंप्लीमेंट करूंगा एंड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ. देन आफ्टर आई विल सी विथ अदर्स का मतलब क्या है, देन आफ्टर आई विल ट्राई टू सी व्हाट द अदर्स आर डूइंग. कि भाई मैं वर्क प्लेस पे अकेला तो हूं नहीं, वर्क प्लेस पे मेरे साथ बाकी के लोग भी काम कर रहे हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा है, वो चीज भी मैं ऑब्जर्व करूंगा. मैं दूसरों को भी समझने की ट्राई करूंगा कि भाई मेरे यहाँ पे, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जो बाकी के चार लोग हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका परसेप्शन कैसा है, लाइक दैट. वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो सब मैं ऑब्जर्व करने की ट्राई करूंगा. एंड इवन एक दूसरे के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आएगी, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई ग्रुप की इम्पैक्ट इंडिविजुअल के ऊपर आती है. तो इवन मैं समझ पाऊंगा कि भाई मुझे खुद के अंदर, मेरे काम करने के तरीके के अंदर कोई चेंजेस करना है कि नहीं करना है, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. तो इवन वो भी जो है वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगा अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को कैसा काम करता है, कैसे काम करता है, दूसरे लोग कैसे काम करते हैं, उनका सोचने का तरीका, उनके काम करने का तरीका कैसा है, मेरे को मेरा खुद का तरीका चेंज करना है कि नहीं करना है, लाइक दैट. कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बींग एन इंडिविजुअल, मेरी सोच कैसी थी कि भाई मुझे तो वर्क प्लेस पे ऑन टाइम ही जाना है, मुझे तो अच्छी तरीके से काम करना है, ये सब मेरी सोच थी. बट क्या हुआ, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स कि भाई बाकी के मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, मुझे तो डिपार्टमेंट में काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, अकेला तो करना ही नहीं है. तो ग्रुप प्रेशर्स यहाँ पे आएगा कि भाई मेरे ग्रुप वाले क्या बोल रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कितने बजे आ रहे हैं, दैट थिंग इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस माई बिहेवियर. तो वो भी जो होगा वो एक इंडिविजुअल को खुद को समझने में हेल्प करेगा और इवन दूसरों को समझने में भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट, वो भी विल हेल्प इन चूजिंग द वे टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स. मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई मैनेजर्स के रूप में अगर मेरे पास नॉलेज है ओबी का, देन मैं डिसाइड कर पाऊंगा, चूजिंग द वे आई नीड टू डिसाइड कि भाई कौन से तरीके से मुझे मेरे सबऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को मोटिवेट करना है. कौन सा तरीका हो सकता है, वे टू मोटिवेट का मतलब, वे टू मोटिवेट का मतलब, एनी वन ऑफ यू, कोई बंदे को मोटिवेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? बाय अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएशंस, ओके वेरी गुड. और कोई? बाय सैलरी बोनस, लाइक फाइनेंशियल बेनिफिट्स, यस वेरी गुड, बाय इंक्रीजिंग द सैलरी. और कोई? नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स लाइक अवार्ड, रिवॉर्ड्स, ओके वेरी गुड. उनकी पोजीशन बढ़ा के, यस प्रमोशंस, वेरी गुड. Then discussion, involvement in the discussion which is important, like meetings pe unhe importance dena, unke point of view ko samajna. Yes, participation in decision making. Yeah, participation decision making, considering their point of view for a particular decision which is to be taken. Yes, very good. Aur koi? Health insurance for the employees. Yes, various allowances, benefits. So
these are the various ways. In simple words, we can say we can divide this in a two part. One is a monetary way and second is non-monetary way. कि भाई आप दो तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो. आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई ये बंदे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. आप मास्लोस की थियरी पढ़ के आए थे SY के अंदर HRM में, आपको पता होगा कि भाई 5 levels ऑफ नीड थी. प्राइमरी नीड, सोशल प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई बंदे की जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है तब वो बंदा नेक्स्ट लेवल पे जाता है, फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो फुलफिल होता है तो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, लाइक दैट. तो यहाँ पे मैनेजर के रूप में मुझे क्या करना है, आई नीड टू ऑब्जर्व. ओबी के रूप में, ओबी के नॉलेज के रूप में मैं मेरे एम्प्लॉयज जो है सबॉर्डिनेट्स है उसको मैं क्या करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा उनके बिहेवियर को कि मेरे वर्क प्लेस पे लोगों का बिहेवियर कैसा है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन किसको परेशान कर रहा है, लाइक दैट, और वो ऐसा क्यों कर रहा है. बेस्ड ऑन दैट मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि भाई बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई उसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए या उसे अभी अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए या अपने जो जिसके साथ उसकी अच्छी ट्यूनिंग बनती है उनके साथ काम करना है उसको, या अवार्ड, रिकॉग्नाइजेशंस, रिस्पेक्ट, ये सब चाहिए, या अपने एरिया में वो मास्टर्स बनना चाहता है. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, वो मुझे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी. बेस्ड ऑन दैट आई कैन टेक अ डिसीजन. उसके हिसाब से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझे कौन सा रास्ता चूज करना है जिससे वो मोटिवेट होगा. तो वो भी हमें हेल्प करेगा इन चूजिंग द बेस्ट वे टू मोटिवेट द वन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, कि भाई मेरे एम्प्लॉयज हैं उनको मुझे कैसे इंकरेज, इंस्पायर, मोटिवेट करना है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी नीड उनकी इंपॉर्टेंट है. तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन टेक अ डिसीजन. चलो नेक्स्ट. OB is useful for maintaining the cordial relationship in terms of industrial relations. चलो IR का मतलब क्या, SY के अंदर कोई पढ़ के आया ये सब्जेक्ट IR? एनी वन ऑफ यू कोई पढ़ के आया ये सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस? HR इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये. चलो मैं बोल देता हूँ, कोई है कोई IR का मतलब, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब? रिलेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन द मार्केट. ओके, और कोई? रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयज विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, आंसर इज इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस वी जस्ट ट्राई टू मेंटेन a peaceful environment within the organizations by maintaining a good relationship between employer and employee. IR के अंदर हमें क्या सोचना है कि भाई company के अंदर कोई disputes, झगड़ा, strikes ये सब नहीं होनी चाहिए. Company के अंदर एक अच्छा peaceful environment होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ. That is industrial relations. वो भी जो है वो हमें IR को मेंटेन रखने में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मेंटेन रखने में, कंपनी के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन रखने में हमें हेल्प करेगा. चलो इसको समझते हैं कि भाई कंपनी के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि भाई कंपनी के अंदर डिस्प्यूट्स, झगड़ा ये सब होने के चांसेस कैसे है, क्यों है? बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ द नॉट टेकिंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ ईच अदर. Even we can say a miscommunication among the two parties, employer and employee. Their perception might be different. The way of looking, way of decision may be different. So, यहाँ पे वो भी हमें help करेगा in maintaining the relations. कि भाई दोनों के बीच में हमें अच्छे relations maintain करने हैं. तो manager जो होगा, now he is playing a role of linker. Employer और employee दोनों के बीच में उसको link का role play करना है. एम्प्लॉयर्स का जो व्यू पॉइंट्स है, उनके जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स है, पॉइंट्स है, वो सब एम्प्लॉयज को बताना है, और एम्प्लॉयज का व्यू पॉइंट्स, फोकस जो है, इश्यूज जो है, वो एम्प्लॉयर्स को बताना है. और दोनों के बीच में जो गैप है उसको कम से कम करना है. इवन कम्युनिकेशंस गैप है उसको कम से कम करना है, सो दैट डिस्प्यूट्स, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि भाई अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट वर्क प्लेस पे रहे. तो वो भी हमें हेल्प करेगा कि भाई वो भी मैनेजर को हेल्प करेगा इन मेंटेनिंग द गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई. आगे जाते हैं.
वो भी विल हेल्प इन अ करियर मैनेजमेंट कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल कि भाई मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, कौन सी टाइप की कंपनी में जाना चाहिए, कौन सी टाइप का जॉब करना चाहिए, ये सब डिसीजंस में वो भी मुझे हेल्प करेगा जस्ट बाय इंट्रोस्पेक्शंस। ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल मैं मेरी खुद को इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, मैं खुद को देखूंगा कि मेरी स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज कैसी है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कौन सा काम कर पाऊंगा, मेरे पास क्या नॉलेज है, मैं क्या पढ़ के आया हूँ, मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, तो बेस ऑन दैट मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि यस मुझे कौन सा करियर पाथ चूज करना है, कौन सी टाइप की कंपनी में जाना है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा, कहाँ पे मैं सेटिस्फाई होऊंगा, लाइक दैट। तो मुझे करियर पाथ चूज करने में और इवन कंपनी चूज करने में वो भी मुझे हेल्प करेगा कि यस मेरे लिए, मैं फॉर एग्जांपल चलो मैं एथिकल बंदा हूँ, मैं कभी भी ब्राइब नहीं लेता हूँ, कभी भी ब्राइब नहीं दूंगा, तो मुझे कौन सी कंपनी में जाना है कि फॉर एग्जांपल टाटा और रिलायंस दोनों ने मुझे ऑफर लेटर दिया है तो मैं चूज करूंगा नहीं है, टाटा में जाता हूँ रिलायंस में नहीं जाता हूँ, लाइक दैट। कि भाई बीइंग एन इंडिविजुअल ही और सी इज गोइंग टू डिसाइड कि भाई कौन सी कंपनी में कौन सी जगह पे वो बंदा अच्छी तरह से काम कर पाएगा, तो उसकी स्किल्स नॉलेज एबिलिटी पर्सनैलिटी उसके बेसिस पे वो बंदा डिसाइड करेगा कि यस यहाँ पे मैं सक्सेसफुल होऊंगा, यहाँ पे नहीं होऊंगा, यहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो वो भी विल हेल्प इवन अ वन इंडिविजुअल इन चूजिंग द करियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन, ओबी इज ऑल्सो यूजफुल इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। चलो ये तो टोटली डिफरेंट आ गया, ओबी हमें मार्केटिंग में हेल्प करता है। अब तक हम क्या पढ़ते आए थे, ओबी जो है वो एचआरएम के अंदर हम पढ़ते हैं और ओबी जो है वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, इन टर्म्स ऑफ ग्रुप, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के भाई कंपनी के अंदर ही हमें ये सब करना है सो दैट के भाई हम अच्छी तरह से डिसीजन ले पाए, तो ऐसा हम पढ़ के आए हैं। बट यहाँ पे अभी ऐसा बोल रहे हैं कि ओबी जो है वो हमें मार्केटिंग में भी हेल्पफुल होगा, मार्केटिंग मैनेजर जो है सेल्स टीम है उसको भी ओबी का नॉलेज है तो वो लोग मार्केट में भी उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कैसे, हाउ द ओबी विल हेल्प इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर क्या पढ़ा था आपने, मार्केटिंग क्या होता है, एसवाई मार्केटिंग सब्जेक्ट कोर कंपल्सरी। बोलो एनी लैंग्वेज, हिंदी गुजराती मराठी तेलुगु कन्नड़ जे लैंग्वेज में आवड़े मैं बोलो, मने जो समझ पड़ते तो हूँ समझीस। मार्केटिंग के अंदर क्या पढ़ा हमने, मार्केटिंग मींस टू सेल आवर प्रोडक्ट, सेलिंग। ओके मार्केटिंग इज इक्वल टू सेलिंग, टू सेल आवर प्रोडक्ट टू प्रेजेंट कंज्यूमर एज वेल एज इन्फ्लुएंस पोटेंशियल कंज्यूमर्स। ओके यू ऑल आर डिमोटेड एंड सेंड बैक टू द SY, बराबर। आप सबका डिमोशन होता है प्रमोशन की जगह पे क्योंकि आपको अभी याद नहीं है। मार्केटिंग के अंदर हमने पढ़ा था मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, बीइंग अ मार्केटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स, चैप्टर नंबर 1 ऑफ मार्केटिंग। कि भाई बीइंग अ मार्केटर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मार्केट के अंदर जाके ऑब्जर्व करना है, देखना है कि जो कस्टमर्स है पोटेंशियल कंज्यूमर्स जो है कस्टमर्स है उनकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, बेस्ड ऑन दैट आई नीड टू प्रिपेयर द माय प्रोडक्ट। ये भाई कस्टमर्स की नीड्स वांट्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनके फॉर एग्जांपल मोबाइल, ये भाई मुझे मार्केट में जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, कैसा मोबाइल चाहिए, मोबाइल के अंदर कौन कौन से फीचर्स चाहिए, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, ऐसा मैं रिसर्च करूंगा, बेस्ड ऑन दैट मुझे पता चलेगा कि यस मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। बेस्ड ऑन दैट मैं कंपनी में आके सब लोग इकट्ठा मिलके बैठ के रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाएंगे एंड देन आफ्टर आप मार्केट में जाओगे, कम्युनिकेट करोगे और लोगों को बताओगे कि यस मेरे पास मेरी कंपनी की ये ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, इतनी प्राइस में है, यहाँ से मिलेगी, इतना डिस्काउंट मिलेगा, सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। तो ये सब हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं, तो जहाँ पे मार्केट में जाके लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनकी नीड्स वांट्स को समझते हैं, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देन आफ्टर कम्युनिकेट बैक एंड ट्राई टू मेक अ एंड कन्विंस द पीपल एंड ट्राई टू मेक अ सेल्स। तो ये सब कुछ आप पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे
वो भी हमें हेल्प करेगा मार्केटिंग के अंदर. मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर जो है, सेल्स मैनेजमेंट टीम जो है, उनको अगर ओबी का नॉलेज है तो वो भी सक्सेसफुल हो पाएंगे. तो कैसे, तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट के पास, मैनेजर के पास ओबी का नॉलेज है, तो सबसे पहला पॉइंट टू अंडरस्टैंड द पीपल. तो मार्केट में जाके कस्टमर्स को समझने में कि भाई कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर्स है तो उसकी नीड वॉन्ट्स क्या है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो समझने में ओबी हेल्प करेगा. बराबर कि भाई आपने सुना है कि भाई कैसा हो सकता है, मार्केट के अंदर जाएंगे रिसर्च करेंगे तो क्या हो सकता है, लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और. तो आपको क्या देखना है, उसका वो क्या बोल रहा है वो भी देखना है, बट उसका सेम टाइम उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी डिसीजंस क्या है, वो चीज भी देखनी है. अदरवाइज क्या बोलेगा कि भाई आप मार्केट में रिसर्च करोगे, आप जाके लोगों को पूछेंगे भाई आप कौन सा सोप यूज करते हो, तो वो बंदा बोलेगा लक्स, बट आप उसके घर पे जाके चेक करोगे तो क्या निकलेगा, लाइफ बॉय. आप बोलोगे कि भाई आपके पास कौन सी कार है, तो वो बोलेगा मर्सिडीज. घर पे जाके देखोगे तो कौन सी निकलेगी, मारुति 800. तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर हमें लोगों को इन डिटेल समझना होगा, तो वो भी जो है वो हमें लोगों को समझने में हेल्प होगा, कस्टमर्स को समझने में हेल्प करेगा कि भाई कस्टमर्स क्या बोल रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है. अगर मैं ये प्रोडक्ट लेके भी आया, फ्यूचर में ये प्रोडक्ट लेके भी आया, तो उनका बिहेवियर उस टाइम पे चेंज तो नहीं हो जाएगा ना, वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, लाइक दैट. तो वो सारे डिसीजंस मैं ये ओबी के नॉलेज के बेसिस पे ले पाऊंगा. तो इवन ओबी जो है वो मार्केटिंग मैनेजर्स को भी हेल्प करता है. लास्ट वन, ओबी विल इम्प्रूव द आवर इकोनॉमी. हमारे आते रहना थी, पर एक स्टेप आपने आगर गया कि ओबी जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को हेल्प करेगी. चलो वंस अगेन सेम क्वेश्चन, कैसे organizations will I mean they will function properly, then okay, very good. Organization functions properly, then eventually it will all the organizations of the country will function properly if this OB structure is there in every company or a certain organizations, and they will go further, and initially I mean eventually they will they will benefit the economy only. So okay. Directly or indirectly, OB helps to in functioning, improving our economy. Okay, very good. आपको एक चॉकस्टिक इनाम में मिलता है, कॉलेज स्टार्ट हो उस टाइम पे ले लेना. एनीवन एल्स? और कोई कि भाई इकोनॉमी को कैसे हेल्पफुल होगा? चलो स्टार्टिंग फ्रॉम द वन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, के एक कंपनी के अंदर हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमारे पास ओबी का नॉलेज है, टॉप मैनेजमेंट के रूप में हम लोगों को समझते हैं, और हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी हो रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी सक्सेसफुल जा रही है. तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी का गोल अटेन होगा, तो उससे क्या होगा, लोगों का गोल अटेन होगा, लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा. वंस अगेन बींग अ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, अगर उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उनकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो गई, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो वह मार्केट में जाके ज़्यादा चीज़ों को परचेज कर पाएंगे, डिमांड इंक्रीज होगी ओवरऑल मार्केट में जाके. फॉर एग्जाम्पल सपोज के सारे कंपनी के अंदर अभी पीसफुल एनवायरमेंट है, पूरे स्टेट के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इंडस्ट्री फ्रेंडली है, और सब कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, सभी एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, सभी एम्प्लॉयज़ की अच्छी सैलरी मिल रही है, सभी एम्प्लॉयज़ अच्छी अमाउंट मार्केट में जाके स्पेंड कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल कंपनी डिमांड इंक्रीज हो रही है, कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्शंस कर रही है, और ज़्यादा प्रोडक्शंस कर रही है, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों के पास और पैसा आ रहा है, और पैसा स्पेंड हो रहा है, मार्केट में और डिमांड बढ़ रही है, तो ओवरऑल हमारी GDP इंक्रीज हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से, हाँ बोलिए, purchasing power parity करके concept है, the purchasing power parity of an individual increases. हाँ, कि उसकी spending power increase होगी, वो बंदा market में जाके ज्यादा पैसा spend करेगा, ज्यादा पैसा spend होगा तो market में demand ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा demand बढ़ेगी तो company ज्यादा produce करेगी, ज्यादा produce करने के लिए ज्यादा employee चाहिए, ज्यादा employee हो गए तो once again उनकी salary भी ज्यादा होगी. So in that way we can say
कि भाई ओवरऑल इकोनॉमी की जो साइकिल है, डिमांड सप्लाई की साइकिल है, बाइंग एंड सेलिंग की साइकिल है, वो उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी. एंड इन दैट वे वी कैन से कि यस वो भी जो है वो इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, कंपनी कंट्री की जीडीपी इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है. बराबर, ओवरऑल मैक्रो लेवल पर आपने की थी, बराबर माइक्रो लेवल पर नहीं. ओके, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. चलो क्विकली रिकैप विद इन द 2 मिनट्स. So today we just discussed the point that is importance of organizational behavior, where we just started with the first point that is OB will help in finding the roadmap and meet the employees' expectations. कि भाई being one individuals, कि भाई उसको आगे कैसे जाना है, उसकी skills, knowledge, abilities क्या है, that thing he or she can be known and based on that he or she can be performed. And over a period of time, इसका जो roadmap के अंदर उसने जो goals determine किए होंगे वो fulfill होंगे and he or she will be satisfied. नेक्स्ट OB विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई हमें OB के रूप में लोगों का बिहेवियर, उनका डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, परफॉर्मेंस स्टाइल्स, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशंस, ये सब ऑब्जर्व कर पाएंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्रिडिक्ट कि भाई कंपनी की अभी कौन सी सिचुएशन है, कौन सा स्टेज चल रहा है, आगे जाके क्या कंपनी में होने वाला है. नेक्स्ट OB विल हेल्प इन टेकिंग द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इवेंट और डिसीजंस. कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजंस लेनी है, कोई भी पॉलिसीज बनाना है, रूल्स रेगुलेशंस बनाना है और उसको अच्छी तरह से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा. वो भी विल हेल्प इन द इंडिविजुअल इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ एज वेल एज अदर्स. कि भाई इंडिविजुअल के रूप में मेरी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, वो सब मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, देख पाऊंगा. मेरे जो कलीग्स है, सबॉर्डिनेट्स है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका, मेरे काम करने का तरीका, वो सब मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा, देख पाऊंगा. And based on that, even I can mold myself. Next, OB will help in choosing the way to motivate the subordinates. Being a manager, I can identify what motivate the people, what is the requirement of my subordinates, their level of needs, and based on that, I can take a decisions. What type of way I need to choose, monetary or non-monetary. Next, OB is useful for maintaining the cordial relationship. That is, maintaining the good relationship between the employer and employee. So OB will help in minimizing the gap between the employer and employee. Next, OB will help in a career management. Being one individual, I can analyze myself in terms of my skills, knowledge, abilities, what type of work I would like to do and where I will be feel satisfied. So that I can decide कि भाई मुझे कौन सी कंपनी में जाना है. OB will also help in the field of marketing. कि भाई being a marketing manager, I can observe my customers, their needs, wants, and based on that, I can take a decisions. So I can understand the behavior and decision making patterns of my customers. So that's why it's also helpful in marketing. OB will improve the overall economy. कि भाई अगर सभी कंपनियां अच्छी तरीके से काम करेगी, सभी एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, सभी को अच्छी सैलरी मिलेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगी. ओके, सो हियर विथ वी जस्ट एंड अप आवर लेक्चर्स एंड आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.